ओके बच्चों, हियर वी हैव मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस। अब वंस अगेन यू शुड रिमाइंड के वाटर जो हार्ड होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड समटाइम ड्यू टू दी क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, द रिमूवल ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन, वही वाले दो जो हार्डनेस करवा रहे थे, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हार्डनेस इज कॉल्ड दी सॉफ्टनिंग। यानी सॉफ्टनिंग ऑफ, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। तो एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से, जिसकी वजह से हम इस काबिल बन जाते हैं कि हम मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन्स, चाहे वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में है या वो क्लोराइड और सल्फेट की फॉर्म में, हम उनको रिमूव करें। कौन से आयन्स? विच वाज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वाटर हार्ड, तो दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्टनिंग। ओके, सबसे पहले हम टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे। और जस्ट रिकॉल करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर दोबारा बुलाया है कि टेम्परेरी जो थी दैट वाज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, दिस टाइप ऑफ हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो जब हम इसको हल कर रहे होते हैं, बाइकार्बोनेट्स इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं वापस इनटू इनसॉल्युबल कैल्शियम और कार्बोनेट जब हम इसको बॉइल करेंगे। सो द मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज, दो मेथड्स हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है दैट इज द बॉइलिंग, सिंपल बॉइलिंग। ओके, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज इजिली रिमूव बाय बॉइलिंग द वाटर। आप क्या करोगे, सिंपल ये आपके पास वाटर है और आपने इसको यहाँ पे क्या प्रोवाइड की, हीट की, फ्लेम पे रखा, आप इसको क्या कर रहे हैं, बॉइल। ओके, तो सिंपली बॉइल करने से क्या होता है, अब इस वाटर के अंदर क्या चीज मौजूद है, इस वाटर के अंदर मौजूद है बाइकार्बोनेट ऑफ व्हाट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, जब आप इसको हीट कर रहे हैं, जब आप इसको बॉइल कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, ये जो कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, डीकम्पोज। डीकम्पोज होने के बाद ये वापस उन्हीं चीजों में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, CaCO3, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी क्या करेगा, ये सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। ये वी हैव इक्वेशन। ओके, सो ये आपके पास क्या था जी, मैं बार बार बता रही हूं कि ये देखें, ये चीज इसमें अब पहले हमने जब ये इक्वेशन पढ़ी तो उस वक्त ये रिएक्टेंट्स थे, ठीक है, जिसमें से वाटर जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर की अपने साथ लेकर सॉइल में से होते हुए अपने साथ कुछ लाइमस्टोन या हम कहेंगे कि कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम को अपने साथ मिक्स करता है। जब मिक्स करता है या अपने अंदर हल कर लेता है तो बना क्या लेता है, अपनी सिचुएशन कैसी बना लेता है, ऐसी, ये हमने पीछे देखा है, CaCO3 और ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है, तो ये क्या था, वाटर हार्ड हो गया था। अब जब आप बॉइल करते हो तो बिल्कुल रिएक्शन उसका उल्टा हो जाता है। कैसे होता है, आप इसको बॉइल कर रहे हैं, या दिस साइन इज फॉर हीट, आप हीट प्रोवाइड करते हो, तो ये डीकम्पोज हो जाता है। यानी कि ये जो कैल्शियम है CA, यहां से CO3 को अपने साथ लेके कार्बोनेट वाली अपनी फॉर्म वापस ले आता है, और ये जो H हाइड्रोजन है अपने साथ एक ऑक्सीजन लेके वाटर बन जाता है, और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाता है। तो इसी तरह से जो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर है वो बड़ी आसानी से सिर्फ बॉइल करने के साथ ही खत्म हो जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव अनदर मेथड फॉर रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड एज क्लॉर्क मेथड, ड्यू टू दी नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस प्रोसेस। ओके, अ केमिकल मेथड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस इज बाय द एडिशन ऑफ फ्लेक्ड लाइम। अब ये केमिकल मेथड है जिसमें हम टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को खत्म करते हैं। कैसे करते हैं, हम फ्लेक्ड लाइम, फ्लेक लाइम क्या है, CaOH2, ये चीज क्या है जी, फ्लेक्ड लाइम हम एड करेंगे। ओके, कैलकुलेटेड अमाउंट डेफिनेटली जो हमें एक्सपर्ट्स ने बताई होगी, दस वन द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयन्स प्रेसिपिटेट आउट, वाटर बिकम सॉफ्ट। सो सिंपल, अब हमारे पास ये वाली जो चीज है,
जस्ट वेट फॉर अ वाइल. बेटे आपने इन चीजों को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, टेम्परेरी और परमानेंट को. आज हम सिर्फ टेम्परेरी को डिस्कस करेंगे. ओके, आई एम जस्ट सॉरी फॉर दिस. ओके, हियर वी हैव दिस थिंग. ये क्या थी हमारे पास? MgHCO3, दैट मीन्स कि वाटर इज हार्ड नाउ. हमने हार्डनेस ऑफ वाटर को जब क्लॉथ मेथड से रिमूव करना है तो हम ऐड करेंगे स्लेक्ड लाइम इन इट. हम क्या ऐड कर रहे हैं इसमें? स्लेक्ड लाइम विच इज दिस. अगर आप इसको ऐड करेंगे, अब मैं रिएक्टेंट वाली साइड आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पे क्या चीजें मौजूद हैं. हमारे पास एक तो इसको मैं ओपन करके लिख रही हूँ, आपको याद हो जाता है जब दो तीन दफा आप इक्वेशन को लिख लेते हो तो आपको आई थिंक याद होगा भी. इसमें क्या चीज मौजूद थी? MgCO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. अगर हम इस चीज को देखें कि मतलब प्रोसीजर को अगर आप रिकॉल करो तो हुआ तो यही था ना कि वाटर जो है वो कंबाइन हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और MgCO3 जो कि मौजूद था सॉइल बेड में, तो ये कंबाइन होके इन्होंने ये चीज बना ली थी. रिएक्टेंट में हमारे पास एक तो ये चीज है, पूरा हमारे पास ये एक सेटअप बन गया. दूसरी हमारे पास जो यहाँ पे चीज है वो क्या है बेटे? Ca यानी कैल्शियम प्लस, यहाँ पर आपके पास ओ एच और ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा होता है, विच मीन्स के H2O प्लस O, एक एक्स्ट्रा O मौजूद है. मैं जरा इसको दोबारा बताती हूँ. इस चीज मैं आपको ये रिएक्टेंट्स दोबारा बताना चाह रही हूँ ताकि आपको जो है वो कोई कंफ्यूजन ना हो. ओके, वंस अगेन ये चीज को मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसके पास क्या क्या चीजें मौजूद है. एक इसके पास कैल्शियम है और एक इसके पास हाइड्रोक्सल के 2 कंपोनेंट्स हैं. तो जब आप इसको ओपन करके लिखते हैं, ये देखें, एक और हाइड्रोक्सल. ओके, तो ये ऐसे करके तो बन गया एक H2O. पीछे क्या है जी? एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा मौजूद है. सो इसमें एक कैल्शियम और एक H2O प्लस O मौजूद है. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पे क्या क्या चीजें मौजूद है? MgCO3 H2O, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली, और एक ऑक्सीजन मौजूद है. अब प्रोडक्ट्स बनाना मैं आपको सिखाती हूँ. आपने प्रोडक्ट कभी भी जिंदगी में याद नहीं करनी अगर मुझसे पढ़ना है तो. अब होगा क्या? रिएक्टेंट वाली साइड पे यही सारा कुछ है हमारे पास या कोई और भी चीज मौजूद है? MgCO3 वाटर, मतलब वाटर के 2 कंपोनेंट्स हैं डेफिनेटली, कार्बन डाइऑक्साइड की भी डबल है. क्वांटिटी भी अगर आप कहते हैं तो मैं लिख देती हूँ. तो ओके बेटे, हमारे पास यहाँ पे ये चीज तो एक ही मौजूद है अगर आपको जैसे पीछे याद हो. दूसरा यहाँ पे हमारे पास वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर करके बता दिया. बल्कि मैं आपको अब प्रोडक्ट्स की तरफ ले जाती हूँ. प्रोडक्ट कैसे बनेगा? बड़ा सिंपल तरीका. एक तो ये चीज जो ऐड हुई थी, ठीक है, ये चीज क्या है? कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम. ये चीज जो सॉइल बेड से ऐड हुई थी वो एज इट इज यहाँ बन जाएगी. एक दूसरा ये हमारे पास वाटर है. वाटर हमारे पास एक तो इसमें मौजूद है H2O, ठीक है. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला H, ये यहाँ से 2 लेगा H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लेगा तो H2O एक मॉलिक्यूल और एक आप हमने यहाँ से बनाया था. इट मीन्स कि हमारे पास वाटर के 2 मॉलिक्यूल मौजूद हैं. ये देखें, राइट. अब यहाँ पे पीछे अंदर क्या रह गया है? हमारे पास CO2 रह गया सिर्फ, समझ रहे हैं? CO2 प्लस ये वाला हमारे पास ऑक्सीजन भी मौजूद है. ये वाला ऑक्सीजन कहाँ से आया? इसमें से, ठीक है. ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे? CO3 और ये CA, तो ये CaCO3 बन गया. मैं दोबारा बता देती हूँ. अब यहाँ पे देखें, ये मैं बार बार बता सिर्फ इस वजह से रही हूँ कि आपको ये मिक्स ना हो जाए. यहाँ पे अगर इसको मैं खोल के लिखूँ तो हमारे पास एक Mg है, इसके अंदर CO3
थ्री है, जो चीजों ने मिलकर ये बनाया था, एच टू ओ है और सी ओ थ्री है. सी ओ थ्री क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से रिएक्शन हुआ था, एक वाटर का मॉलिक्यूल था, एच टू ओ कम्बाइन हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड कम्बाइन हुई थी, ठीक है, एच टू ओ सी ओ टू और एम जी सी ओ थ्री. तो इसमें एक सी ओ थ्री एज इट इज, बल्कि सी ओ थ्री मैं यहाँ पे नहीं लिखती, कन्फ्यूजन ही होगी आपको, मैं इसको एज इट इज लिखती हूँ कि वो जो चीजें एम जी सी ओ थ्री एक चीज है, दूसरी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और एच टू ओ. यहाँ अब मेरा ख्याल है आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, इस चीज को मैंने ओपन करके लिखा. दूसरी को अगर मैं ओपन करके लिखूं, मैं इधर ही लिख रही हूँ, तो वो हमारे पास क्या है, सी ए प्लस एच टू ओ प्लस ओ. अब हम इसको देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनेगी. ओके, तो बेटे एक ये एम जी सी ओ थ्री जो है वो एज इट इज यहाँ पे आपके पास मौजूद है. दूसरी चीज, वाटर का एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये पूरा मॉलिक्यूल है, टू एच टू ओ, ये भी पूरा. अब पीछे कैल्शियम सी ए और ये जो सी ओ टू है ये अपने साथ एक ऑक्सीजन मिला के क्या बन जाएगा, सी ओ थ्री. ये दोनों कंबाइन हो के सी ए सी ओ थ्री बना लेंगे, ठीक है. इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ये हमने डिस्कस किया जी मैग्नीशियम के बारे में. अब वाटर में दूसरी चीज भी मौजूद है, दैट वॉज बायकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम के केस में अब क्या होता है, ये थोड़ा उससे ज्यादा इजी है. अब इसके पास इस वाले को अगर हम ओपन करके लिखें, ओपन करके लिखने वाले भी रिएक्टेंट याद अगर आपको हो चुके होंगे तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी. ओके, इसको मैं अगर ओपन करके लिखूं सी ए सी ओ थ्री एच टू ओ सी ओ टू, ये वो चीजें जो यहाँ पे, यानी वाटर कंबाइन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और सॉल्ट बेड में से कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम लिए उसने. यहाँ पे हमारे पास दूसरी चीज क्या है, ऐसे सी ए एच टू ओ और ओ, यही चीजें मौजूद है. ओके, अब आपके पास सबसे पहले जो चीज यहाँ पे प्रोडक्ट में बनती है, सी ए सी ओ थ्री, क्या बना, सी ए सी ओ थ्री, एक चीज. दूसरी चीज, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है, दोनों कंबाइन हुए, 2H2O बना दिया. पीछे क्या रह गया जी, यहाँ पे CA CO2 plus O, ये दोनों जब CO2 plus O जब कंबाइन होंगे तो ये बना देंगे CO3, ठीक है. ऑलरेडी यहाँ पे ये हमारे पास कैल्शियम मौजूद है, सी ए सी ओ थ्री, एक ये सी ए सी ओ थ्री और एक ये यहाँ पे सी ए सी ओ थ्री हमारे पास पड़ा हुआ था, तो हम इसको लिख सकते हैं टू सी ए सी ओ थ्री, ठीक है. तो इस तरह से ये दोनों ही के केस में आपने देखा कि यहाँ पे ये मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, बायकार्बोनेट्स जो इनसॉल्युबल, जो इनसॉल्युबल, ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो इनसॉल्युबल फॉर्म में आए. पहले हार्डनेस कैसे बनी थी कि ये जो कार्बोनेट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ये वाटर में सॉल्युबल हो गए थे, अब इनसॉल्युबल फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो गए हैं, ठीक है. तो यहाँ पे वाटर जो है फ्री ऑफ दी सॉल्ट, तो दैट वाटर इज कॉल्ड एज सॉफ्ट वाटर, ठीक है. तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कोई डिफिकल्टी हो तो आपने पूछ लेना है, ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. और यानी कि जनरली हार्ड वाटर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या है, या फिर राइट डाउन दी नोट ऑन दी रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, तो दो लॉन्ग क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए. ओके, अल्लाह हाफिज़ बच्चों.